अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अंबर जॉजन। आज मैं आपको सिखा रही हूँ धनिया पीसना। लाइक आप धनिया किस तरह पीस सकते हैं, घर में धनिया का पाउडर किस तरह से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, सभी को ही पता है, बट आई थॉट के चले मैं शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। आई वुड प्रिफर कि आप घर में ही बनाएं, बाहर से नहीं लें। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया था इसमें पैन के अंदर, और आप चाहें तो आप इसे धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने इसे धूप में भी ड्राई किया था, बट मैंने इसे इस तरह से चूल्हे के ऊपर भी थोड़ा सा भून लिया था। उससे फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और इसके अंदर की जो नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और बाद में आपके पास जो भी चॉपर ग्राइंडर व्हाटएवर जो भी हो उसमें डाल के तो आप अच्छे से इसको ग्राइंड कर लीजिए। और एकदम से इसको आप अपनी बॉटल में मत रखें, इसको किसी भी प्लेट वगैरह के अंदर निकाल के रखें, ताकि यानी कि आपने इस तरह से पहले इसको स्ट्रेन करना है, ताकि जो ऊपर का मोटा मोटा सा मतलब तिनके वगैरह कुछ भी होते हैं, वैसे मैंने साफ़ किया हुआ है इसको, बट फिर भी जो थोड़ा सा मोटा सा धनिया होता है वो सेपरेट हो जाता है, और जो नीचे का पाउडर है वो सेपरेट हो जाता है। आपको पता है खाने में अच्छा नहीं लगता है। फिर हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे, इसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, लाइक क्योंकि आपको पता है कि ग्राइंडिंग मशीन में जब होते हैं तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो उससे क्या है कि अगर आप डाल देंगे ना तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से पहले थोड़ा सा ठंडा होने दें, ये कूल डाउन हो जाए, उसके बाद में आप इसे किसी भी जार वगैरह में जिसमें आप रखते हैं उसमें करके आप स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से 2-3 महीने 6 महीने चल सकता है बरसात के मौसम के अलावा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फिलअप कर लिया था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर में ही बनाएं पाउडर्स वगैरह एंड फिर यूज़ करें, इट्स क्वाइट सेफ़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव।